please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप मेरे साथ द विंडो पर हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो इस वक्त नेपोटिज्म, बॉलीवुड माफिया और इनसाइडर आउटसाइडर को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। वो कई मौक़ों पर इन सभी मुद्दों पर अपनी राय दे चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अब बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर एक तंज कसा है, जिसको लेकर वो एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म पर छिड़ी बहस अब लंबा रूप ले चुकी है और इस बहस में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत। कंगना लगातार कई स्टार्स पर इस वक्त हमलावर हैं, उनमें कई नाम हैं, करण जौहर, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और उनके अलावा भी कई स्टार्स हैं जिन पर कंगना निशाना साध चुकी हैं। कुछ स्टार्स ने कंगना को पलट कर जवाब भी दिया है, आमतौर पर ऐसा होता भी है, तो कुछ ने इस पर खामोशी बरती हुई है। हाल ही में नेपोटिज्म पर चल रही इस बहस पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का भी एक बयान आया। इस मुद्दे को उन्होंने न सिर्फ काल्पनिक बताया है, बल्कि कंगना का नाम उन्होंने ले लिया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने उन्हें हाफ एजुकेटेड कह दिया, मतलब कि वो पूरी तरह से पढ़ी लिखी नहीं है। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर अब कंगना ने भी जवाब दिया है और ऐसी कोई हैरानी की बात है भी नहीं, क्योंकि वो जवाब देती हैं। उन्होंने कहा है कि पहले ट्वीट में, मतलब उन्होंने दो ट्वीट किए, उन्होंने लिखा, नसीर जी आपका धन्यवाद जो आपने मेरे सभी अवार्ड्स और उपलब्धियों को नेपोटिज्म के पैमाने पर तोल दिया और ये मेरी समकालीनों में, मतलब मेरे पैरेलल जो भी एक्ट्रेसेस हैं, किसी के पास नहीं है, मुझे इसकी आदत है, लेकिन क्या आप मुझसे ये सब कहते अगर मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती। मतलब उन्होंने नेपोटिज्म को उनके हिस्से में भी डाल दिया। दूसरे ट्वीट में कंगना ने लिखा, नसीर जी एक महान कलाकार हैं, इतने महान कलाकार की तो गालियाँ भी भगवान के प्रसाद की तरह हैं मेरे लिए। कंगना का नाम लिए बिना नसीर ने कहा कि एक कम पढ़ी लिखी एक्ट्रेस जिसने सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए इसे खुद से जोड़ लिया है, उसके विचार जानने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इस मामले में न्याय चाहिए तो मुझे लगता है कि हमें कानूनी प्रक्रिया में भरोसा रखने की ज़रूरत है, और अगर हमें इससे कोई मतलब नहीं है तो फिर उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसके आगे नसीर रुके नहीं, उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर को लेकर ये किस तरह की बेवकूफ़ी चल रही है, ये पूरी तरह से बकवास है और हमें इसे बंद करना होगा। मैंने एक एक्टर के तौर पर यहाँ खुशहाल और सुरक्षित ज़िंदगी बिताई है, तो फिर मैं क्यों नहीं अपने बेटे को इसी पेशे में जाने के लिए लाऊँगा। कोई उद्योगपति है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है या कोई और, आखिर ऐसा क्यों नहीं करेगा। नसीरुद्दीन शाह के लिए गनीमत ये रही कि पहली बार कंगना ने उनको महान कलाकार कहकर टाल दिया, वरना ज़्यादातर ट्वीट्स आप जानते हैं वो उनका जवाब बड़े हमलावर अंदाज में देती हैं। खैर, ये कहानी, किस्सा या खबर, जो भी आप इसे समझें, वो बॉलीवुड से है। हम आपको इस तरह की खबरें पहुंचाते रहते हैं। आपको भी हमारे लिए काम करना होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपसे देश दुनिया जहान की कोई खबर छूटे ना। अगली खबर तक आप हमारे साथ बने रहें, अगली भी खबर दमदार होगी, इस यकीन के साथ आपको यहीं छोड़ कर जा रहे हैं। अगली खबर आप तक लाने के लिए शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.